सुबह सुबह होने वाली इस खूबसूरत सी बारिश ने मेरा दिल तो गार्डन गार्डन कर दिया। देखिए कितनी बारिश थी, और शाम में हमें जो है वो फरमाइश आ गई कोफ्ते बनाने की। तो यहाँ पे देखिए खुशबू में बसा, हमने जो है वो मसाला भून लिया। और इस कोफ्तों की रेसिपी को मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, कंप्लीट ऑथेंटिक खुशबूदार ज़बरदस्त से कोफ्ते कैसे आप तैयार कर पाएंगे इसको जाके आप ज़रूर मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। बस मसाले के साथ ना मैं इसको हल्का सा बस इस तरह से भून लूँगी। और ये देखिए आपकी कीमा किस कदर मज़ेदार और हमने अच्छा बनाया है कि मजाले जो हमारे कोफ्ते मसाले में जाने के बाद भी आप देखें खुशी हंसी खुशी आप इनको भून लें 2 से 3 मिनट ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाएं। लेकिन मजाले जो कोफ्ते फूटे ये ले लीजिए कौमी की पुरजोश फरमाइश पे आलू भी चले गए। इतना पानी ना मैंने रखना है कि ये इसका जो शोरबा है ना वो इतने पानी में बने, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं मुझे पसंद, इतना मैं रखूँगी। तो फिर इस पानी से ना मैं तकरीबन 1 गिलास और पानी का डाल दूँगी ताकि इतने में आलू गल जाए। तो ये लीजिए जी शाही कोफ्ता करी जो है वो बनकर तैयार है। खूब सा सारा जो है वो हरा धनिया डलेगा और आप देखेंगे माशाल्लाह खंडिया की जो लुक है वो कितनी ज़बरदस्त निकल के सामने आई। गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, कमाल। और अब मैं आपको कोफ्ता जो है वो तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना जूसी नरम और ज़बरदस्त तरीके से हमारा कोफ्ता तैयार हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना काशिफ हाशमी और आप देख रहे हैं किचन विद हिना यूट्यूब चैनल। तो बस आज हम जो है वो 14 अगस्त मनाने के लिए इस टाइम आए हुए हैं ब्लू एरिया इस्लामाबाद में। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह, ये मैं अभी यू फोन की जो है ना आई थिंक बिल्डिंग के पास खड़ी हुई हूँ और खूब सारे लोग जो है वो यहाँ पे अतराफ में जो है वो फैले हुए हैं और कोई बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई बच्चे जो है वो गुब्बारे लेके घूम रहे हैं। ऑब्वियसली हर किसी का बचपन जो है ना वो 14 अगस्त पे इसी तरह ही होता है। हम लोग भी जब छोटे छोटे थे तो हमेशा सेम एग्जैक्ट इसी जगह ब्लू एरिया में आके जो है वो अपने अब्बू की बिल्डिंग पे खूब सारा जो है वो इन्जॉय करते थे। कभी लिफ्ट ऊपर लेके जा रहे हैं, कभी नीचे लेके जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इन्जॉय करते थे। और स्पेशल फिर रात को जो है वो चपली कबाब और किसी अच्छे से होटल से जो है वो खाना खा के और फिर जो है वो हम लोग जाते होते थे। तो ये इन लोगों को भी मैं लेके आई हूँ आज, ये जो है इनको भी लेके आई हूँ यहाँ पे कि हम जो है आज क्या खाने का इरादा है भाई बताओ। पिज्जा। पिज्जा खाना है चलो जी ठीक है, जो जी बच्चों का दिल करे जी वही खिलाएंगे इंशाल्लाह। तो ठीक है फिर देखते हैं आगे अभी क्या क्या करेंगे और आप हमारे साथ रहिए, इंजॉय कीजिए और खुश रहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जो है वो ढेर सारी खुशियों से जो है वो भर दे। और क्या दुआएं मांगे, यही मांग सकते हैं कि हाँ सब कुछ ब्लेस यू तो बस यही है अल्लाह करे कि सब चीजें बस अच्छे से ठीक हो जाए, काफी हद तक जो है वो होता है। लेकिन आज हम खुश हैं, हम खुशी खुशी बातें करेंगे सारी। यहाँ पे देखे जी बच्चों के कितने क्यूट से कॉस्ट्यूम्स। बस 14 अगस्त की तो एक अलग सी खुशी होती है, पटाखों से अलावा खुशी जो है वो मनानी चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए गहमा गहमी जो है खूब सारी लगी हुई है और यहाँ पे देखिए 2 कूल डूड्स जो है वो बाहर निकले अपनी बाइक लेके। और इनको देख के कोमी जो है ना उनको भी शौक चढ़ रहा था कि मुझे भी आप बाइक लेके दें तो मैं भी ऐसे चलाऊंगी। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेके देंगे। चिकन लगे मेरा पड़ता सेम प्लेट आ जाते हैं।
पिज्ज़ा खा के इनको लगी थी रात में भूख, तो मैंने इनको जो है वो फ्रूट चाट बना दी। फ्रूट चाट भी हेल्दी होती है भाई, वो भी खानी चाहिए। जब कभी सालन अवेलेबल ना हो तो फ्रूट चाट और फ्रूट ट्राइफल से काम चला लें। तो 14 अगस्त की खुशी में जो है वो फ्रूट ट्राइफल भी बना हुआ था। तो फिर आ गया है जी नेक्स्ट डे। मैं आई थी CSD कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करने। अच्छा लग रही है ना? हाँ। मैं समझी शीशे का या प्लास्टिक का है। अच्छा। पूरे CSD का मेरा फेवरेट पार्ट कि मुझे ये बेल पेपर्स लेनी होती हैं, और मैंने काशिफ को जो है वो भिंडियाँ चुनने पे लगाया था क्योंकि उनकी फेवरेट है, तो वो चुने अपनी मर्जी से भाई। और ये मेरी खूबसूरत सी फेवरेट हेलोपिनोस, मुझे इनसे प्यार है। घर वापसी पे फिर से मिली हमें जबरदस्त जोरों की बारिश। देखें आसमान, देखें कैसे बारिश बरसा रहा है। मुझे तो बस अच्छा लगता है गाड़ी चल रही हो, बारिश हो रही हो। और यहाँ पे देखें, हमने एक जगह गाड़ी खड़ी की थी, अरसल को हमें पिक करना था। और यहाँ पे बारिश का आलम चेक करें आप। बारिश हो और पकोड़े ना बने, ये तो नहीं हो सकता ना। बस मैंने तो घर आके आलू और मिर्चों के गजबनाक जो है वो पकोड़े तैयार किए और मुझे बहुत मजा आया जी। तो आगे है नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ अरसल को पिक करने के लिए। आज अरसल का जो है वो प्रैक्टिकल था कंप्यूटर साइंस का, और मेरे साथ है अस्सलामुअलैकुम कोमी। और ये कोमी जो है अपने भैया के लिए जो है ये देखें जी नगेट्स फ्राई करके लेके आई है, कि वो आएगा तो उसे भूख लगी हुई होगी। तो ऐसा ही है बहन भाइयों का प्यार भरा रिश्ता। तो बस है, अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ व्लॉग को एंड। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट आ रही है बहुत ही जबरदस्त वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।